करते हैं अगली खबर का। अगली खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुरियर कंपनी पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। खबर गुरुग्राम से, जहां पर स्पेयर पार्ट सप्लाई करने वाले कंपनी ट्रीम इंडिया ने आरोप लगाया है। मारुति होंडा जैसी कंपनियों को स्पेयर पार्ट सप्लाई करती थी ये ट्रीम इंडिया। सेक्टर 37 थाना इलाके का मामला गुरुग्राम से इस वक्त की खबर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो एक कुरियर कंपनी पर 2 करोड़ रुपए का झांसा देने का आरोप लगा है, धोखाधड़ी की गई है पैसों की। स्पेयर पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी ट्रीम इंडिया ने आरोप लगाया है, और वो आरोप ये कि मारुति होंडा जैसी कई कंपनियों को स्पेयर पार्ट जो है वो सप्लाई करती थी ये कंपनी। तो गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मामला दर्ज भी हो चुका है। अब ऐसे में जो कुरियर कंपनी बताई जा रही है, कितनी ठगी उसने की है ये जांच पड़ताल का विषय बन चुका है। संवाददाता सतीश राघव है हमारे साथ। सतीश, कुरियर कंपनी पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है, और ज्यादा जानकारी क्या कुछ है, अभी तक कार्रवाई क्या हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कुरियर कंपनी है, इसे 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड का आरोप लगा है, और ये बीकन कुरियर कंपनी के नाम पे है। ये मारुति होंडा जैसी जो कंपनी है, इनका स्पेयर पार्ट जो उसके सप्लाई का काम करते थे। तो थाना पुलिस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अब देखने वाली बात इसमें यही होगी, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन किसने रिकवरी कर पाती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है पुलिस, ये जरूर आगे की जो कार्रवाई है उसमें देखना होगा।